हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14, दैट इज वाटर। यानी कि आज के चैप्टर में हम वाटर के बारे में जानेंगे, जल के बारे में जानेंगे। हम सभी जल को जानते हैं, जल के हम बहुत सारे उपयोग भी अपनी लाइफ में करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जल यानी कि पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ हम जानेंगे जल के बारे में कि जल कहाँ से आता है, किस प्रकार से। आप हम देखेंगे कि उसमें वाटर साइकिल होगी यानी जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जल की उपयोगिता के बारे में जानेंगे, साथ ही हम ये जानेंगे कि जल की अधिकता से क्या होता है और जल की कमी से क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो जल है, जो पानी है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो आप पढ़ेंगे, जल एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि जल के एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त हो रही, अब प्रकृति में जो भी जितनी भी चीजें होंगी, लिविंग यानी कि जो जीवित होंगी या फिर जो जीवित नहीं है, जो लिविंग है या फिर जो लिविंग नहीं भी है, सारी जो चीजें हमारे पर्यावरण में उपस्थित होती है, सारे ही क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ से जल क्या है, जल हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। यानी कि जिस चीज का निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है, उसमें जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसका कोई भी हाथ नहीं होता है। वो सारी ही चीजें क्या होती है? प्राकृतिक चीजें होती है। अब यहाँ पे अगर जल की बात आती है, तो जल हम कहाँ से लेते हैं? हमारी प्रकृति से लेते हैं। जल निकाय यानी जो वाटर बॉडीज होते हैं, वहां से हम पानी को लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम पानी को बनाने के लिए यहाँ पे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस पानी को नहीं बनाते हैं। इसीलिए ये क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अब आपको बताया जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव है, यानी जिनमें भी क्या होता है, जिनमें भी जीवन पाया जाता है, उन सभी के लिए क्या है, पानी बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे जानवर की आवश्यकता हो या समझौता, उन्हें अपनी नियमित चयापचय गतिविधियों को पूरा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, हमने कहा पानी के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम पानी नहीं पियेंगे, अगर आपको प्यास लगी, आपको पानी नहीं मिला, तो हम क्या, हमें बहुत बेचैनी सी फील होने लगती है। और अगर मैं बहुत ज्यादा टाइम तक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीवित प्राणी को अगर बहुत ज्यादा देर तक पानी ना मिले, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उसे अपनी चयापचय गतिविधियों के लिए, चयापचय गतिविधियां क्या होती है, हमारी बॉडी, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती है, उसमें पाचन भी है, उसमें उत्सर्जन भी है, और सारी ही क्रियाओं के लिए हमें क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी प्रोसेस को, इन सभी गतिविधियों को हम क्या कहते हैं, चयापचय गतिविधियां कहते हैं। इन गतिविधियों के लिए क्या होता है, हमें पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप देखेंगे, दस्तावेजों को, अब यहाँ पे क्या है, ये क्या था, यहाँ पे जो भी हमने देखा, जो भी अभी तक हमने बात की एनिमल्स की, अब हम बात करेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे ये क्या है, यह है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो जल का उपयोग करते हैं, और अपने भोजन के निर्माण के लिए वहाँ पे क्या हो रहा है, जल का यहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो यही चीजें आपको बताई जा रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन को का जो निर्माण करते हैं जो पौधे, उसमें क्या कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपको लाइन बताई जा रही है, उसमें इम्पोर्टेंट लाइन क्या है कि एक व्यक्ति औसतन एक दिन में 600 से 700 लीटर पानी का यूज करता है। यानी कि एक व्यक्ति है, एक दिन में कितने पानी का यूज कर रहा है, 600 से 700 लीटर यहाँ पे पानी यूज हो रहा है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति इतना पानी यूज कर रहा है एक दिन में, तो जितने भी यहाँ पे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं। हमने देखा कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा जनसंख्या, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर एक व्यक्ति इतना पानी यूज कर रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सारे लोग होंगे वो कितना पानी यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, हम सभी भोजन के बिना कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या होता है, अगर हमें खाना ना मिले तो हम कुछ दिनों तक खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन अगर पानी ना मिले तो पानी के बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। ये आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे, सूक्ष्म भी सूख जाते हैं और पानी के बिना
पत्ते भी झड़ जाते हैं। किस चीज के बारे में बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है प्लांट्स के बारे में। जो पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो भी पानी के बिना क्या होते हैं, सूख जाते हैं। तो आपने देखा कि जल क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है उसमें आप देखेंगे जल के स्रोत। अब जल स्रोत क्या होते हैं, हमने अभी पानी के बारे में पढ़ा, हमने ये भी जान लिया पानी हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, तो हमने पढ़ा था कि हमारे जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? वो आवश्यकता है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो तीन मूलभूत आवश्यकताओं में से सबसे पहला जो आता है, हमने ऑक्सीजन की बात की थी कि ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकेंड भी जीवित नहीं रह सकते हैं। सबसे पहला क्या आया? ऑक्सीजन हमारे पास आया, पहला हमारे पास आया ऑक्सीजन। कैसे लिखते हैं ऑक्सीजन को? O2। ये क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन अगर हम बात करें, हमने कहा कि जल के बिना हम एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। दूसरा क्या है यहाँ पे? H2O है। क्या है H2O? जल को हम H2O लिखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही यहाँ पे जल का निर्माण होता है। पहला क्या है? ऑक्सीजन है। दूसरा क्या है? जल है, यानी कि वाटर है। तीसरी क्या हमारी मूलभूत आवश्यकता है? हमने तीसरा हमने कहा भोजन या फिर फूड। ये क्या है? तीसरा हमारे पास आता है भोजन आता है या फिर फूड हम जिसे कहते हैं। तो ये तीनों ही क्या है? हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन तीनों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं पानी के बारे में, यानी कि वाटर के बारे में। हाँ, अब हमें पता है कि वाटर हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब हम जानेंगे जो वाटर है, जिस जल का हम यूज कर रहे हैं, हमने कहा एक व्यक्ति 600 से 700 लीटर एक दिन में यूज कर रहा है, और बहुत सारे फिर इतना ही पानी सारे ही लोग यूज करेंगे। तो ये पानी आता कहाँ है? पानी का स्रोत क्या है जहाँ से पानी आता है? तो यहाँ पे पानी के स्रोत में आप देखेंगे जल के विभिन्न स्रोत हैं, यानी पानी के बहुत सारे स्रोत हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 97% पानी जम चुका है। जल के तीन मुख्य स्रोत होते हैं। अब जो 97% है वो पानी कैसा है? जम चुका है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म क्या होती है हम आगे जानेंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे? जल के स्रोत देखेंगे। सबसे मुख्य जो स्रोत आता है बारिश का पानी आता है। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है सबसे मुख्य स्रोत होता है। अब बारिश यहाँ पे हो रही है तो कहाँ से हो रही है, कहाँ से वो पानी आता है, इस चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जब आप जल चक्र के बारे में जानेंगे तो आप देखेंगे बारिश का जो पानी है वो कहाँ से आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है भूगर्भ, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जिसे हम कहते हैं। तो भूगर्भ यानी कि इसमें क्या आते हैं? जैसे कुएं आ गए हैं, झरने आ गए हैं, और जैसे जल निकाय शामिल होते हैं। तो ये भूगर्भ सतही जल। सतही जल क्या होता है कि यहाँ पे विभिन्न जल निकाय जैसे समुद्र, महासागर, जलयोजन, नदियां, धाराएं, तालाब आदि शामिल है। अब यहाँ पे सतही जल और भूगर्भ जल में क्या डिफरेंस है? भूगर्भीय जल वो होते हैं जो कि क्या होते हैं, जमीन से नीचे को रहते हैं, जैसे कुएं आपने देखे होंगे। और यहाँ पे क्या है, तो कुएं क्या होता है कि कुएं नीचे रहते हैं, और सतही जल यानी कि जो जल की सतह पर रहते हैं, जैसे आपने नदी देखा, समुद्र देखा, वो सतह पर रहते हैं। तो मेनली हमारे पास दो यहाँ पे क्या आते हैं, दो स्रोत आते हैं। एक तो बारिश का पानी हो गया, एक अंडरग्राउंड वाटर हो गया। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है कि जो पृथ्वी रहती है, पृथ्वी की बहुत सारी परत होती है, बहुत सारी लेयर होती है, और उन बहुत सारी लेयर के नीचे पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। हम क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये भी जो पीने का जो जल है उसका मुख्य स्रोत है। यहाँ पे आपको इमेजेस में कुछ सोर्स दिखाए गए हैं, जैसे कि आपने कुआं देखा, बारिश देखी, आपने रिवर देखा, टैप देखा, लेक देखा, ये सारे ही क्या है, पानी के स्रोत हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है जल की अवस्थाएं। अब जल की अवस्थाएं क्या होती हैं? अवस्थाएं यानी कि किस किस अवस्था में जल रहता है। तो हमारे पास जल की मुख्यतः तीन अवस्थाएं आती हैं। ये पढ़ने से पहले अब हम पहले इमेज यानी कि चित्र के माध्यम से समझेंगे कि जल की कितनी आवश्यकताएं होती हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन अवस्थाएं होती हैं जिसे हम सॉलिड कहते हैं, और सॉलिड को हमने कहा ठोस।
लिक्विड को हमने कहा द्रव, और गैस को हम गैस लिखते हैं। कितनी अवस्थाएं हमारे पास आ गई हैं? तीन अवस्थाएं हमारे पास आ गई हैं। हमने कहा सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि द्रव, और गैस को हम गैस लिखते हैं। तीन अवस्थाएं हमारे पास आ गई हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे क्या क्या वो अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम ठोस के बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि जो पानी है, चलिए ठोस से पहले हम लिक्विड के बारे में जान लेते हैं, यानी कि द्रव अवस्था के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अपनी डेली लाइफ में हम जिस पानी का यूज करते हैं वो क्या है, लिक्विड अवस्था है। तो यहाँ पे ये क्या है, पानी का ग्लास आपको दिखाया गया है, ये है पानी का ग्लास और इसके अंदर क्या है, पानी है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, हमने कहा था कि ये पानी का ग्लास है, यहाँ पे क्या है, H2O मॉलिक्यूल है, यानी कि पानी के क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ऊर्जा होती है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी होती है, और इस एनर्जी का यूज करके ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं, यानी ये इधर की ओर गति कर रहा है, ये इधर की ओर है, ये ऊपर की ओर है, या फिर ये नीचे की ओर है, फिर ये ऊपर की ओर कर रहा है। कंटिन्यूअसली जो पानी होता है, पानी में गति होती रहती है। हमने कहा अगर आप कोई पानी का ग्लास देखते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है, स्थिर दिखता है, स्टेबल दिखता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, जो पानी होता है, पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में गति होती रहती है। अब वो हमें इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और यहाँ पे जो गति पाई जा रही है वो बहुत अधिक नहीं है, यानी कि जो गति है, जो पानी के जो मॉलिक्यूल है जो गति कर रहे हैं, बहुत अधिक गति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनमें जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो क्या है, कम है। अभी आप देखेंगे, हम देखते भी हैं कि जो पानी के जो मॉलिक्यूल है किस प्रकार से गति करते हैं, ये आपने देखा है, हम हमेशा ही इसे देखते हैं, वो किस प्रकार से हम देखते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या बात की है, पानी का एक ग्लास है, पानी का एक ग्लास है, उसमें क्या है, पानी है, पानी है यानी पानी के उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जो पानी हमें स्थिर दिख रहा है वहां पे भी क्या होती रहती है, गति होती रहती है। और इस गति का कारण क्या है, क्योंकि वहां पे क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। अब आप कहेंगे हम कैसे मान लें कि पानी का ग्लास है और वहां पे क्या हो रही है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में गति हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो पानी का ग्लास है इसमें एक इंक की ड्रॉप डाल सकते हैं, यानी कि जो स्याही होती है उस स्याही को आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जैसे ही आपने इंक की ड्रॉप यहाँ पे डाली, आप देखेंगे धीरे धीरे करके वो ड्रॉप यहाँ से नीचे की ओर जाती है, और कुछ देर में पूरे पानी में वो क्या हो जाती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि सामान्य रूप से मिश्रित हो जाती है, सामान्य रूप से घुल जाती है। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने पानी को हिलाया भी नहीं, आपने चम्मच के द्वारा घोला भी नहीं, लेकिन फिर भी आप कुछ देर बाद देखेंगे जो इंक की जो ड्रॉप है वो पूरे पानी में एक समान रूप से क्या हो रही है, डिजोल्व हो जा रही है, घुल जा रही है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इंक की ड्रॉप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, इंक की जो ड्रॉप है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तभी पूरे पानी में घुल पा रही है। तो क्यों घुल रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नियमित रूप से गति कर रहे हैं, और इन्हीं मॉलिक्यूल्स के साथ जो इंक की जो ड्रॉप थी उसने भी गति की और पूरे पानी में क्या हो गई है, एक समान रूप से घुल गए हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गति कर रहे हैं, लेकिन सामान्य गति कर रहे हैं, बहुत अधिक नहीं कर रहे हैं, बहुत कम नहीं कर रहे, सामान्य गति यहाँ पे हो रही है। और कौन सी अवस्था है, ये लिक्विड अवस्था है, द्रव अवस्था है, जिस पानी का हम यूज कर रहे हैं ये वही अवस्था है, जो भी आप पीने के लिए यूज कर रहे हो, आप सफाई के लिए यूज कर रहे हो, आप खाना बनाने के लिए यूज कर रहे हो, वो जो पानी की अवस्था है उसे हम लिक्विड कहेंगे या फिर द्रव अवस्था कहेंगे। सबसे पहली अवस्था हमारे पास आती है। तो अब हमने क्या कहा, अब हमने कहा कि क्या हो अगर इनके बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ा दी जाए। हमने कहा था हम क्यों नहीं देख पाते हैं, ऊर्जा कम है और क्या है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, तो ऊर्जा कम होने के कारण हम इनके बीच की गति नहीं देख पा रहे। हमने कहा क्या हो अगर हम इन्हें अधिक ऊर्जा प्रोवाइड कर दें, अधिक एनर्जी दे दें, तो क्या हम इसकी गति को देख पाएंगे। तो यस, इसका जो आंसर है वो हाँ है, कि अगर हम यहाँ पे इस पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें अधिक ऊर्जा दे देते हैं तो हम इनकी गति को देख सकते हैं। अब कैसे देखते हैं हम, आपने देखा आपने पानी को क्या क्या गर्म किया, जैसे जैसे पानी गर्म होता है वो खौलने लगता है, और आप देखेंगे पानी बहुत तेजी से वहां पे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, पानी एकदम ऊपर की ओर भी आने लगता है।
वो वहां पे क्या हो रही है, आप साफ देख पा रहे हो कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में गति हो रही है, क्योंकि हमने वहां पे क्या कर दिया, हमने बहुत तापमान दे दिया। अब जब हम तापमान दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर से क्या हो रहा है, इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है। ऊर्जा जब मिल रही है, जितनी अधिक ऊर्जा होगी उतनी अधिक गति करेंगे। क्या होता है, आपके पास अगर आपने खाना खाया है तो आपके पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत ऊर्जा होती है, आप बहुत काम करते हो। अगर आपके पास एनर्जी है ही नहीं क्योंकि आपने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो आपको ऊर्जा नहीं मिली। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप काम कर ही नहीं सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जब तक इनके पास कम ऊर्जा थी, कम एनर्जी थी, तब तक जो गति थी वो सामान्य गति चल रही थी। जब इन्हें ऊर्जा दी, किस प्रकार से दी, हमने यहाँ पे टेम्परेचर इन्हें दिया, आपने क्या किया, गैस में या चूल्हे में पानी को गर्म किया और उस तापमान से इन्हें क्या एनर्जी मिलती चली गई। जितनी एनर्जी, जितनी ऊर्जा बढ़ रही है उतनी तेजी से आप देखेंगे पानी वहां पे आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। तो एक तो हमने देखा कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊर्जा बढ़ने पे इनकी गति बहुत तेजी से हो रही है। दूसरा हम देखेंगे कि आपको कुछ वहां पे भाप निकलती हुई दिखाई देगी। आप कहते हो जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो आपको ऊपर की ओर भाप उड़ती हुई दिखाई देगी। वो भाप क्या होती है, वो भाप होती है वो पानी ही होता है, लेकिन पानी अब क्या हो गया है, गैसीय अवस्था में चेंज हो गया है। किस अवस्था में चेंज हो गया है, गैस की अवस्था में चेंज हो गया है, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उसके बीच में इतनी ऊर्जा आ गई कि उन्होंने इतनी गति उन्होंने आपस में कर ली, इतना मूवमेंट हो गया कि अब वो लिक्विड से गैसीय अवस्था में आ गए, क्योंकि इनके बीच में जो रिक्त स्थान था वो क्या हो गया, वो बढ़ गया है। जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में रिक्त स्थान बढ़ गया है, उनमें एनर्जी आ गई है, और एनर्जी जब आ गई है, ऊर्जा जब आ गई है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो गैसीय फॉर्म में क्या हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। ये क्या है, जो आप भाप देखते हो, पानी की जो भाप होती है वो क्या होती है, पानी की गैसीय अवस्था होती है, यानी वो भी भाप ही होगा, वो भी क्या है, भाप है। ये हमारे पास क्या आई है, पहली कंडीशन आई है। हमने कहा ये पहली कंडीशन है कि हमने कहा हमने उन्हें ऊर्जा प्रोवाइड की, ऊर्जा यानी एनर्जी दी, एनर्जी से पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो गैसीय अवस्था में यहाँ पे आ गए हैं। हमारे पास एक और अवस्था यहाँ पे आ सकती है। अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच की जो गतिज ऊर्जा थी वो कम कर दी, यानी कि पहले तो हमने बढ़ाया था, अब हमने क्या किया, हम देखते हैं कि अगर हम गतिज ऊर्जा कम कर दें तो क्या होता है। अब हमने इस पानी को क्या किया, फ्रिज के अंदर रख दिया, बहुत ठंडे में रख दिया, इतने ठंडे में रख दिया कि जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा कम हो गई। अब आप ध्यान रखेंगे, टेम्परेचर की बात हो रही है, तापमान की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जो तापमान है पहली जो अवस्था में तापमान है, तापमान अधिक है, तापमान अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, गति भी बढ़ेगी। तापमान बढ़ रहा है तो ऊर्जा भी बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ रही है तो गति भी बढ़ेगी पानी के मॉलिक्यूल्स की, और पानी के मॉलिक्यूल्स की गति बढ़ रही है तो यहाँ पे लिक्विड से गैस की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सेकंड में हमने कहा, अब यहाँ पे तापमान की क्या अवस्था है, जो तापमान है वो कैसा है, कम है। अब हमने तापमान कम कर दिया और बहुत कम कर दिया, तापमान कम है तो ऊर्जा भी कम हो गई। ऑलरेडी यहाँ पे ऊर्जा कम थी, ऊर्जा बहुत कम हो गई। अब अगर ऊर्जा कम हो गई तो यहाँ पे इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो रिक्त स्थान था वो बहुत कम हो गया और ये मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक गए। आपस में जब चिपक गए हैं तो पूरी तरीके से गति क्या हो गई है, यहाँ पे बंद हो गई है। अब हमें ठोस अवस्था देखने को मिल रही है। ठोस अवस्था क्या है, यहाँ पे बर्फ है, ये क्या है, बर्फ है, और यहाँ पे ये क्या है, वाष्प है। ये क्या है, बर्फ है, ये वाष्प है, और ये हमारे पास क्या है, पानी है। तो सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में हमने क्या किया, तापमान बहुत कम कर दिया, तापमान कम हुआ तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की गति कम हो गई है, गति कम हो गई है तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊर्जा भी कम हो गई है और गति भी कम हो गई है। पानी क्या हुआ, पानी के जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक गए हैं और यहाँ पे क्या हो गया, अब बर्फ का निर्माण हो गया है। पानी से क्या हो गया है, ठोस अवस्था में इसका परिवर्तन हो गया है। तीनों ही चीज क्या है, बर्फ की बात करो, पानी की बात करो या वाष्प की बात करो, तीनों ही चीजें क्या है, तीनों ही यहाँ पे पानी है, लेकिन अलग अलग अवस्था में है, कोई ठोस अवस्था में है, कोई द्रव अवस्था में है, कोई गैस अवस्था में है। तो ये तीनों ही क्या चीजें हैं, ये तीनों ही होती हैं पानी की अवस्थाएं।
अब यहाँ पे क्या आता है कि ये जो पानी की अवस्था है इसमें क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। यानी कि अब बर्फ है तो बर्फ को हम पानी में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, जो अभी हमने प्रोसेस की थी उसका उल्टा कर देंगे। तापमान कम किया था तो तापमान अधिक कर देंगे हम। अब हमने क्या किया, तापमान अगर अधिक कर दिया, तापमान अगर हमने अधिक कर दिया तो इस बर्फ से क्या होगा, फिर पानी का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इन्हें तापमान मिला वैसे ही ऊर्जा मिली, और जैसे ही ऊर्जा मिली तो यहाँ पे गति होने लग गई। यहाँ पे क्या हो गया, तापमान अधिक हो गया तो पानी, बर्फ से पानी का निर्माण हो गया। अब गैस से क्या हम पानी का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे तापमान अधिक कर दिया था, अब हम इसी प्रोसेस को उल्टी कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तापमान को कम कर देंगे। हमने तापमान कम किया तो गैस से क्या हो गया, पानी का निर्माण हो गया। किस प्रकार से हमने तापमान को कम किया, हमने कहा पानी भाप के रूप में उड़ रहा था, हमने उसके ऊपर से ढक्कन रख दिया और गैस को हमने बंद कर दिया। गैस बंद कर दिया यानी तापमान मिलना बंद हो गया और ऊर्जा मिलनी बंद हो गई। धीरे धीरे वो पानी क्या होगा, ठंडा होगा। और ये जो वाष्प थी, आपने देखा होगा कि जो भी पतीला है, पतीली का जो ढक्कन है, ढक्कन पे क्या होती है, पानी की बूंदे जम जाती हैं। क्या होता है, वो जो वाष्प होती है वही वाष्प वहां पे क्या होती है, पानी के रूप में यहाँ पे जम जाती है। तो क्या हो रहा है, वाष्प से यहाँ पे जो पानी का निर्माण हो रहा है, यानी गैस से लिक्विड फॉर्म में हो रहा है और लिक्विड से गैस की फॉर्म में हो रहा है, सेम वही गैस से सॉलिड की फॉर्म में हो रहा है और सॉलिड से गैस की फॉर्म में हो रहा है, यानी परिवर्तित हो पा रहे हैं एक जगह, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। तो यही जो चीजें हम यहाँ पे उसे पढ़ लेंगे, हमारे पास क्या है, पानी तीन अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस में मौजूद हो सकता है। यानी पानी कितनी अवस्थाओं में हमारे पास है, तीन अवस्थाओं में है, जो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमारे पास आती है द्रव अवस्था। दैनिक जीवन में हम जिस जल का उपयोग करते हैं वह द्रव अवस्था है, इसे जल की द्रव अवस्था कहा जाता है। यानी जो भी हम पानी यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, वो क्या है, जल की द्रव अवस्था है। सेकेंड आता है गैसीय अवस्था। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पानी भाप बनकर वाष्प बन जाता है, जल वाष्प इसकी गैसीय अवस्था है। अब हमने क्या देखा, जो पानी भाप के रूप में उड़ रहा है वही क्या है, पानी की गैसीय अवस्था है। थर्ड हमने क्या देखा, ठोस अवस्था। पानी ठंडा होने पर बर्फ में बदल जाता है और बर्फ पानी की क्या है, ठोस रूप है, ठोस अवस्था है। लास्ट में हमने क्या देखा, पानी की ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे से परस्पर परिवर्तनीय है, यानी हम इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ये बात हमने कर ली है कि हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या करते हैं, पानी को बदल सकते हैं। तो ये जो जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, साथ ही यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे। चलिए इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है और वो है जल चक्र। जल चक्र यानी कि वॉटर साइकिल। अब जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, साइकिल या चक्र जैसा यहाँ पे कुछ हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वही है। चक्र क्या होता है, ये जो गोल संरचना है इसे हम चक्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक ही जो प्रोसेस है, एक ही प्रक्रिया बार 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 रिपीट होती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे कोई एक चीज, यहाँ पे कोई शुरू हो रही है और ये पूरा चक्र पार करेगी और फिर से उसी अवस्था में वहां पे वापस आ जाएगी। ये एक चक्र है। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम एक ही प्रोसेस को पढ़ेंगे कि एक ही जो प्रोसेस है, एक ही प्रक्रिया यहाँ पे बार बार हो रही है। तो क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आप देखेंगे जल चक्र के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पानी कभी हिलना बंद नहीं करता है। यानी कि पानी में हमेशा मूवमेंट होती रहती है। ये अभी हमने पढ़ा है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो अणु होते हैं, वो आपस में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जल चक्र मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह से जल की सतत गति की प्रक्रिया का वर्णन करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो जल चक्र है, जल चक्र में क्या हो रहा है, पानी क्या करता है, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में जाता है, वायुमंडल से फिर से पृथ्वी पर आता है। क्या हो रहा है हमारे पास, हमने कहा जो पानी है ये हमारा क्या है, वायुमंडल है, पूरा वायुमंडल है, और ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब पानी क्या करेगा, पृथ्वी से वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से पृथ्वी में जाएगा, फिर से पृथ्वी से वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल से पृथ्वी में आएगा। क्या हो रहा है, एक ही प्रोसेस हो रही है, एक ही प्रक्रिया चल रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, चक्र कहते हैं, साइकिल कहते हैं। बात यहाँ पे पानी की हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, वॉटर साइकिल कहेंगे या जल चक्र कहेंगे।
यही आपको बताया जा रहा है कि जल चक्र में क्या होती है, पानी है या जल की उसकी सतत गति होती रहती है, कहाँ से, पृथ्वी से हमारे वायुमंडल में। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, और इसे आमतौर पर चार अलग अलग चरणों में जाना जाता है, यानी कि जल चक्र में हमारे पास कितने स्टेप आएंगे, हमारे पास चार स्टेप आएंगे। अलग अलग स्टेप के बारे में हम जानेंगे कि यानी ये पूरा चक्र चल रहा है, ये पूरा जो चक्र चल रहा है वो चार भागों में विभाजित होगा। हम देखेंगे कि स्टेप में क्या प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, संपूर्ण चक्र सूर्य द्वारा नियंत्रित होता है और इसे जलीय चक्र के रूप में भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट लाइन है ये, आपके पास एनसीक्यू में आ सकता है कि बताइए जो जल चक्र होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे किसके द्वारा हो रहा है, सूर्य के द्वारा हो रहा है। सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य के द्वारा जो तापमान निकलता है उसके द्वारा यहाँ पे क्या होता है, जल चक्र यहाँ पे रेगुलेट होता है या फिर उसे नियंत्रित करता है। यानी कि जल चक्र किस पे निर्भर होगा, सूर्य पे निर्भर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जल चक्र में हमने क्या कहा था, चार स्टेप होते हैं। अब हम इन चार स्टेप को अलग अलग करके देखेंगे। तो उससे पहले, ये पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को पढ़ लेंगे कि डायग्राम में क्या हो रहा है। ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये हमारा पूरा वायुमंडल है। अब क्या हुआ, ये क्या थे, जल निकाय थे। जल निकाय में क्या हुआ, सूर्य की किरणें पड़ी। जल निकाय क्या होते हैं, जहां पे भी पानी प्रेजेंट होगा, जैसे नदी हो गए हैं, झरने हो गए हैं, या फिर समुद्र हो गए, जहां पे भी पानी प्रेजेंट होगा उसे हम वाटर बॉडीज कहते हैं या जल निकाय कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जल निकाय है, ये कुछ भी हो सकता है, समुद्र है और बहुत अलग अलग चीजें सारे ही यहाँ पे क्या होंगे, ग्राउंड वाटर है, सरफेस वाटर है, यहाँ पे समुद्र है, नदियां हैं, जहां जहां पे भी वाटर जो जल निकाय प्रेजेंट होंगे वहां वहां पे ये जो पूरी प्रोसेस है वो चल रही होगी। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे जल निकाय था यानी वाटर बॉडी था, वाटर बॉडी में क्या हुआ, सूर्य की किरणें पड़ी। सूर्य की किरणें जैसे ही पड़ी तो उसने क्या किया, उसने वहां पे क्या किया, तापमान बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। किसका, इस पानी का, ये जो पानी यहाँ पे है, इस पानी का क्या हुआ, तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया। अब हमने जाना था जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि तापमान मिलने पर उन्हें ऊर्जा मिलने लगती है और ऊर्जा मिलने पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में गति करने लगते हैं। अब जैसे ही गति करने लगेंगे तो हमने कहा कि अगर तापमान मिलता रहे, ऊर्जा मिलती रहती है, तो एक टाइम पे क्या होता है, जो पानी है जो लिक्विड अवस्था यानी कि तरल रूप से क्या होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे हुआ, इन्हें क्या हुई, सूर्य की किरणें यहाँ से मिलती चली गई, यहाँ से यह सूर्य की किरणें आ रही है, सूर्य की किरणें मिलती गई, तापमान मिलता या ऊर्जा मिलती गई, पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने उनके बीच में क्या हुई, गति जो है बढ़ती चली गई और ये जो लिक्विड था, जो तरल था, वो गैसीय अवस्था में ऊपर उड़ने लगा और इस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन कहा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। क्या हो रहा है इवेपोरेशन में, जो यहाँ पे जो पानी है, पानी वाष्प के रूप में जल निकाय से कहाँ जाता है, वायुमंडल में जाता है। यानी पानी तरल अवस्था से किस फॉर्म में आ रहा है, गैसीय अवस्था में आ रहा है, पानी क्या हो रहा है, भाप के रूप में वायुमंडल में जा रहा है। इसी प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन या फिर वाष्पीकरण। क्या है ये, पहला स्टेप है, किस चीज का पहला स्टेप है, वाटर साइकिल का पहला स्टेप है। तो हम इसे पढ़ लेंगे, हम क्या पढ़ेंगे अब, वाष्पीकरण के बारे में, और क्या कहते हैं वाष्पीकरण को, इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन में हम पढ़ेंगे, इस अवस्था में सूर्य की गर्मी महासागरों और अन्य जल शरीर के पानी को गर्म करती है। यानी जहाँ पे भी वाटर बॉडीज होंगी वहां पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वहां का पानी गर्म हो जाएगा और पानी को वाष्प के रूप में वाष्पित करती है, जो ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वाष्पीकरण में पानी क्या हो रहा है, गैसीय अवस्था में यानी कि भाप बनकर ऊपर की ओर वायुमंडल में उड़ रहा है, इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। एक तो वाष्पीकरण हो रहा है, एक आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। पेड़ से क्या हुआ, पेड़ ने क्या किया, पेड़ की जो जड़ थी उसने पानी अवशोषित किया। जब उसने पानी अवशोषित किया तो यहाँ पे जो पत्तियां थी, जो आपको यहाँ पे पत्तियां दिख रही है, पत्तियों से फिर पानी क्या था, पत्तियों से जो पानी था वो गैसीय अवस्था में बाहर निकला और इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसपिरेशन या फिर वाष्पोत्सर्जन। दोनों ही प्रोसेस में एक ही चीज हो रही है, इवेपोरेशन की बात करें या ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, दोनों ही प्रोसेस में एक ही चीज हो रही है। डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है,
अगर यहाँ पे वाष्पीकरण की बात आए, इवेपोरेशन की बात आए, तो यहाँ पे क्या होंगे, जल निकाय होंगे। क्या होंगे यहाँ पे, जल निकाय होंगे अगर इवेपोरेशन की हम बात करें। और अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें तो क्या होगा, पादपों में ये प्रोसेस चल रही है। जब भी हम बात करेंगे पादपों की तो हम देखेंगे जो पानी की जो हानि हो रही है पत्तियों से गैसेस के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और अगर हम कहेंगे कि जल निकाय से जो पानी है, पानी की जो हानि हो रही है गैस के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो दोनों ही प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है, पानी क्या हो रहा है, गैस के फॉर्म में ऊपर वायुमंडल में जा रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण हो रहा है या फिर वाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ये हमारा पहला स्टेप है जल चक्र का। पहले स्टेप में क्या हुआ, जल चक्र का ये पहला स्टेप है जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड स्टेप। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे पानी है, ये वाष्प की फॉर्म में है, वेपर की फॉर्म में है। अब जैसे ये ऊपर जाता है तो इसे क्या होती है, इसे अब जो सूर्य की किरणें हैं वो नहीं मिलती है, यानी कि इसे तापमान नहीं मिल रहा है। तापमान नहीं मिल रहा है तो ऊर्जा नहीं मिल रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो ऊर्जा है वो कम हो गई है। अब जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जमने लग जाते हैं और यहाँ पे बूंदों का, पानी की बूंदों का निर्माण करेंगे। ये जो पानी की बूंदें होती हैं ये क्या करती हैं, अब जो हवा होगी वायुमंडल में उसके साथ मिलके यहाँ पे बादलों का निर्माण करती है। क्या होगा, यहाँ पे बादलों का निर्माण होगा। इसी चीज को, इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को हमने कहा संघनन यानी कंडेंसेशन। क्या हो रहा है, संघनन में बादलों में जल वाष्प ठंडी हो जाती है। क्या हो रहा है बादलों के निर्माण में, हमने कहा कि जो पानी था वो वाष्प के फॉर्म में हमारे वायुमंडल में आया। वायुमंडल में वो जब आया तो वहां पे क्या था, वहां पे जो तापमान था वो कम था। जैसे ही तापमान कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो ऊर्जा थी वो भी कम हो गई। जैसे ही ऊर्जा कम हुई तो हमने देखा था ऊर्जा कम होने पे जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, चिपकने लग जाते हैं यानी जॉइंट हो जाते हैं। और वहां पे क्या आता है, जो गैसीय अवस्था होती है वो लिक्विड अवस्था यानी द्रव अवस्था में बदल जाएगी। यहाँ पे जो भाप होगी, जो वेपर होगा वो पानी में बदल जाएगा। और क्या आता है, ये जो पानी जो वायुमंडल में जो गैस होती है उसके साथ मिलके क्या होता है, यहाँ पे बादलों का निर्माण करता है। कितनी स्टेप हमने पढ़ लिए हैं, दो स्टेप हमने पढ़ लिए हैं। पहला हमारे पास आता है वाष्पीकरण और दूसरा आता है हमारे पास संघनन। हमारे पास अब और कितने स्टेप बचे हैं, दो और स्टेप बचे हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो दो स्टेप हमारे बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे। आई होप अभी तक मैंने जो भी आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।